आज मैं आपको क्वांटम ज्योमेट्री में कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको उसको समझाएंगे कि क्वांटम ज्योमेट्री के बारे में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्वांटम ज्योमेट्री क्या होती है। तो अगर किसी प्लेन में किसी पॉइंट, मान लीजिए प्लेन है, इस प्लेन में पॉइंट पी है, प्लेन में पॉइंट क्या है, पी। इस पॉइंट पी की, पी माने कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, अब इस पॉइंट पी की अगर हमें पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो हमें दो नंबर चाहिए होता है। मान लीजिए दो नंबर हमने लिया एक्स कॉमा वाई, दो नंबर चाहिए होता है, तो ये दो नंबर क्या है, एक्स कॉमा वाई। मान लीजिए इस दोनों नंबर को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, और इससे रिलेटेड ज्योमेट्री जो होती है, इससे रिलेटेड जो ज्योमेट्री होती है उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहां पर यक्ष जो है, यक्ष है एक्सिस और वाई जो है वो है ऑर्डिनेट। वाई क्या है, ऑर्डिनेट, दोनों को मिलाकर इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस और ऑर्डिनेट को मिलाकर हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये दो पॉइंट क्या है, एक्सिस द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट की, माने कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलता है उसे हम एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट डिस्टेंस कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। और दोनों को कंबाइन करके, दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, और इससे जो रिलेटेड ज्योमेट्री होती है उसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इज इट क्लियर। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमको ओ, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट, ओ क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, और ओरिजिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है जीरो कॉमा जीरो। जीरो कॉमा जीरो क्यों, क्योंकि जीरो इसकी एक्सिस है, कोऑर्डिनेट भी इसकी क्या है, एक्सिस। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो कॉमा जीरो। जब हम ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस पर कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डिस्टेंस क्या होती है, प्लस होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस प्लस होता है, और जब ओरिजिन पॉइंट के अपर साइड वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ऑर्डिनेट भी क्या होता है, प्लस होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस प्लस होता है, माने एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस प्लस होती है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, प्लस होता है। इसका मीन्स ये हुआ यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होती है, जब वैल्यू जीरो से ग्रेटर होती है तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस आएगी, और वाई की भी वैल्यू जीरो से क्या होती है, ग्रेटर होती है। एक्स इज ग्रेटर जीरो एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर जीरो। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो जब हम ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड चलते हैं तो एक्सिस रिलेटिव होता है, और अपर साइड पहले हम एक्सिस को मेजर करेंगे, पहले हम क्या मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को मीन एक्सिस मेजर करते हैं, फिर हम वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो यहां पर एक्सिस क्या होगा, ऑरिजिन क्या होगा, माइनस प्लस। तो मीन्स कोऑर्डिनेट हो गया माइनस प्लस, मीन्स एक्सिस माइनस और ऑरिजिन प्लस। तो यहां पर वैल्यू जो हो गई, एक्स की वैल्यू जीरो से लेस हो गई और वाई की वैल्यू जीरो से ग्रेटर हो गई। इज इट क्लियर। थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो पहले एक्सिस को मेजर करेंगे, अब ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड तो एक्सिस क्या होगा, नेगेटिव, और जब ओरिजिन पॉइंट के लोअर साइड चलते हैं तो ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो से लेस होती है और वाई की वैल्यू भी जीरो से लेस होती है, क्योंकि दोनों वैल्यू जो है क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव है तो एक्स की वैल्यू माने एक्स भी जीरो से लेस होता है और ऑर्डिनेट भी जीरो से लेस होता है। तो थर्ड क्वार्टर में कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस माइनस। फोर्थ क्वार्टर में हम आते हैं तो पहले हम मेजर करेंगे, फर्स्ट भी मेजर कर एक्सिस, पहले हम मेजर करते हैं एक्सिस को, मीन एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं, फिर वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो फोर्थ क्वार्टर में प्लस, ओरिजिन पॉइंट के किस साइड, लेफ्ट साइड, और ओरिजिन पॉइंट के लोअर साइड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होती है, ग्रेटर होती है, और वाई की वैल्यू जीरो से। यह हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट क्वार्टर प्लस प्लस, सेकंड क्वार्टर माइनस प्लस, थर्ड क्वार्टर माइनस माइनस, एंड फोर्थ क्वार्टर प्लस माइनस। अब अगर हमें, अगर कोई पॉइंट दिया गया
थर्ड में, क्योंकि एक्सेसर भी माइनस है और ऑर्डिनेट भी माइनस है, तो ये किस क्वार्टर में सिचुएट होगा, माइनस थ्री गामा माइनस फाइव थर्ड क्वार्टर में सिचुएट होगा, किस क्वार्टर में होगा, थर्ड क्वार्टर में। अगर पूछे कि बी एक पॉइंट है जिसका क्वार्टर है टू गामा फाइव, तो दोनों प्लस है, तो ये किस क्वार्टर में सिचुएट होगा, प्लस प्लस किसमें आ रहा है, फर्स्ट में, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में सिचुएट होगा। अगर पूछा है माइनस थ्री कामा टू, तो माइनस थ्री कामा टू एक्सिस का माइनस है और ये प्लस है, तो किस क्वार्टर में सिचुएट होगा, सेकंड क्वार्टर। ओके नेक्स्ट वन है फोर कामा माइनस टू, तो ये यहां पर एक्सिस का प्लस है और ये माइनस है, तो किस क्वार्टर में आएगा, फोर्थ क्वार्टर में। तो इस तरह हम देखें कि अगर कोई सी कोई भी पॉइंट है किसी प्लेन में, तो हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, माने प्लेन पर डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो पहले हम उसका एक्सिस मेजर करते हैं, फिर हम कोऑर्डिनेट मेजर करते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। एक्सिस मीन्स द डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट द डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसका डिस्कशन। अगले टॉपिक में आप इसको आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय।